अब आ जाते हैं कुछ और बातों पे। पहला पॉइंट, प्रॉफिट, वॉल्यूम, रेशो, दैट इज आपका प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। बिल्कुल नोट्स भी मिल जाएगा, सारी चीजें मैं अभी दे दूंगा आपको, क्लास खत्म होने के बाद मिल पाएगा आपको ये प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, दैट इज PVR। क्या कहता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो? कहता है सर आप कंट्रीब्यूशन को डिवाइड कर दीजिए किससे सर, सेल्स से, और इनटू में कर दीजिए 100 से, इनटू किससे कर दीजिए 100 से। ठीक है सर, क्या और कोई फॉर्मूला है? बिल्कुल सर, PVR का फॉर्मूला होता है हमारा PVR इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन रेशो। सर इसे समझते हैं एक बार, PVR इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन रेशो कैसे होगा? मैं एग्जांपल ले लेता हूं, मैं मिटा दूंगा इस एग्जांपल को, वैसे तो क्लियर है कुछ बच्चों को। देखिए मान लीजिए सेल्स कितना है सर, लेट्स एग्जांपल 1000, वीसी मान लीजिए आप 600, तो आपको पता चल गया कंट्रीब्यूशन क्या आएगा सर 400। अगर आप PVR निकालते हैं तो PVR क्या निकलेगा आपका सर 400/1000 इंटू में 100, दैट इज आपका 40%। मैंने क्या कहा, PVR जो होगा हमेशा कंट्रीब्यूशन का रेशो होगा। अगर आपको पता है कि कंट्रीब्यूशन 400 है तो ये सेल्स का कितने परसेंट है, सेल्स का कितने परसेंट है, तो सीधी सी बात बोलोगे सर कंट्रीब्यूशन आपका कितने परसेंट है, 40%। तो ये दोनों देखो क्या हो गया हमारा, इक्वली तो हो गया। तो यानी कई बार आपको PVR दे दे और सेल्स दे दे तो परसेंटेज निकाल सकते हो, सीधा ये लिख दिया मैंने, ठीक है। तो हालांकि सिचुएशन होगा, बाकी मैं लिखते जा रहा हूं, बाकी वही बात है, घुमा फिरा के बोलने वाली बात है। और क्या हो सकता है सर, और हो सकता है हमारा PVR इज इक्वल टू अगर 100 में से माइनस कर दे वीसी का परसेंटेज। वीसी का परसेंटेज मतलब सर यहां पे वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 60% है ना, कितना है हमारा 60% है। अगर 100 में से मैं वेरिएबल कॉस्ट के परसेंटेज को माइनस कर दूं तो कितना परसेंट बचेगा हमारा, 40% बढ़ जाएगा। और 40% क्या है हमारा कंट्रीब्यूशन, तो मैं ये भी कह सकता हूं PVR क्या है हमारा 100 में से माइनस क्या कर दें हम वीसी परसेंटेज को। तो अलग अलग तरीके से हर जगह यूज होता है, और भी कुछ फॉर्मूले हैं जिसको मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे। और क्या होता है सर, और क्या होता है हमारा, और होता है हमारा, मैं लिख रहा हूं देखो, जैसे ब्रेक इवन पॉइंट लिख के मैंने सवाल में यूज किया था, ऐसे मैं एक फॉर्मूला को लिख रहा हूं बस यूज करने के लिए, बाकी आगे डिटेल में बात करने वाले हैं सर। और होता है हमारा क्या होता है PVR, बाकी मैं पहले डिटेल फॉर्मूला लिख दूं, होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी जिसे हम MOS कहेंगे, ये होता है हमारा प्रॉफिट डिवाइडेड बाय PVR। तो सर यहां से भी PVR निकल सकता है ना, कैसे, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें और इसको डिवाइड कर दें, तो अब बताइए इसको MOS बोलना ठीक है ना, तो PVR हो सकता है हमारा, PVR क्या हो सकता है प्रॉफिट, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय क्या कर दूं मैं MOS, तो क्या आ जाएगा हमारा PVR आ जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा PVR। यहां तक क्लियर है आपको, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। ये कुछ एक फॉर्मूले हैं जो कि PVR के लिए आपको याद रखने हैं। एक दो और फॉर्मूले हैं जिसको हम देखते जाएंगे, मैं नंबर 2 डाल देता हूं, नंबर 3 डाल रहा हूं मैं, एक नंबर मैंने डाल दिया 4। और कंट्रीब्यूशन की ही बात करें तो कंट्रीब्यूशन की तो बहुत सारे हो गए थे, कितने नंबर हो गए थे, एक तो एक नंबर ये फॉर्मूला हो गया था, दूसरा ये भी कह सकते थे आप, तीसरा यहां से निकल गया था, चौथा ये भी हो गया था, पांचवा ये भी हो गया, और छठा ये हो गया। 6 फॉर्मूले से तो कंट्रीब्यूशन निकाल लिया PVR। अब हालांकि देखोगे ना तो यहीं से कहीं ना कहीं घूम फिर के हमारा दूसरा पार्ट निकल रहा है यहाँ पे। चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं, जो भी हमने किया है इसके ऊपर एक सवाल देख लेते हैं, बेसिक सा क्वेश्चन, फिर हम आगे बढ़ेंगे ठीक है। जितने सवाल हम कर पाएंगे इस पे वो सवाल देखेंगे। चलिए पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 कहता है कैलकुलेट PV रेशो
ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशन। कहता है सर वेरिएबल कॉस्ट हम दे रहे हैं आपको, कॉन्ट्रीब्यूशन आपको दे रहे हैं, तो निकालिए। तो सर पीवीआर का आपका मतलब क्या होता है? आपका कॉन्ट्रीब्यूशन किस में? रुपीज में, वेरिएबल कॉस्ट इसमें है। तो पीवीआर, पीवीआर इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू में 100 होगा। सर इस फॉर्मूले के हिसाब से कॉन्ट्रीब्यूशन तो पता है लेकिन सेल्स नहीं पता, तो आपको पता होना चाहिए सेल्स को हम लिख सकते हैं वेरिएबल कॉस्ट प्लस में कॉन्ट्रीब्यूशन, लिख सकते हैं ना, क्योंकि प्रॉफिट से बनता है। तो यहाँ पे सेल्स अगर निकालना हो तो 60 प्लस में 40 हो जाएगा, 60 प्लस में 40 यानी सर सेल्स आ गया 100। अब इजीली निकल जाएगा पीवीआर इज इक्वल टू क्या आएगा सर? पीवीआर आएगा हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन दे ही रखा है 40, सेल्स हमने निकाल लिया 100 इंटू में 100, दैट इज 40%। पहले वाले को मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी जरूर किया, एक बार देखिए बताइए कोई डाउट है तो। फर्स्ट पार्ट में कोई डाउट? सर फोर्थ का 52% होगा, थर्ड का 16% होगा। अच्छा इनका पहले आंसर भी दे दिया इन्होंने, चलिए मैं तो करता जा रहा हूं धीरे धीरे। बताइए कोई डाउट यहां पे? हाँ सारा एक एक करके बताऊंगा। सेकंड भी देख लेते हैं, सेकंड का, सेकंड में कहता है सर सेल्स 20 है और वेरिएबल 15 है, आपको पीवीआर निकालना है। तो अगेन पीवीआर का यही फॉर्मूला लगा लेंगे। पीवीआर का क्या फॉर्मूला लगाएंगे? कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स इनटू में 100। कॉन्ट्रीब्यूशन आपको नहीं पता है, यहाँ पे सेल्स पता है तो कॉन्ट्रीब्यूशन निकाला जा सकता है। कैसे निकाला जा सकता है? सेल्स माइनस में वीसी करके। सेल्स आपको पता है 20 और माइनस में वेरिएबल 15, तो दैट इज ₹5 कॉन्ट्रीब्यूशन। फॉर्मूले में पुट करें हम इसको तो क्या आएगा? 5/20 इंटू में 100, और इसको अगर काटें तो कितना आ जाएगा हमारा? 25%। तो ये इसका आंसर आ गया, सेकंड का ये रहा आंसर। चलिए पॉइंट नंबर थ्री पॉइंट का, आपको रेशो वेरिएबल कॉस्ट का देता है 84%। ध्यान दीजिए, आपको अगर रेशो वेरिएबल कॉस्ट का पता हो और 100 में से अगर इस वेरिएबल कॉस्ट के रेशो को माइनस करो तो क्या निकल के आएगा? पीवीआर। तो यही फॉर्मूला लगा लेते हैं, पीवीआर इज इक्वल टू 100 माइनस में वीसी परसेंटेज। तो क्या आएगा? 100 - 84, तो क्या निकल के आएगा? 16%। तीसरे का हो गया ये आंसर। सर चौथे का देखिए आप, फोर्थ में क्या कहता है? प्रॉफिट दे रखा है, सेल्स दे रखा है, फिक्स कॉस्ट दे रखा है। तो आप सीधी सी बात है, आपको प्रॉफिट पता है, सेल्स पता है और फिक्स कॉस्ट पता है, तो यहां पे आपको फिर से यही फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। वैसे आपका फॉर्मूला क्या बोलता है? पीवीआर इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई सेल्स इंटू में 100। सबसे पहले कॉन्ट्री निकाला जा सकता है। सर कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे निकाला जा सकता है? याद करिए अभी फॉर्मूला बताया था, अगर मैं इस वाले पार्ट को और मैं इस वाले पार्ट को दोनों को एड ऑन कर दूं तो क्या बनेगा हमारा? कॉन्ट्रीब्यूशन। सेल्स सवाल में दे ही रखा है तो इजिली फाइंड किया जा सकता है। तो यानी सर यहाँ पे इन दोनों को मैं डायरेक्ट प्लस कर रहा हूँ, 13,000 डिवाइडेड बाय 25,000 इंटू में 100। मैंने थोड़ा शॉर्टकट यूज किया यहां, यानी आंसर क्या आएगा सर? ये आंसर आएगा 13,000 25,000 इंटू 100, 52%। 52% 52% क्लियर है। आ जाइए फिफ्थ पार्ट पे। कहता है ये फिफ्थ पार्ट में जो थोड़ा सा अलग सवाल है, क्या कहता है? ईयर वन का सेल्स इतने का है, टोटल कॉस्ट हमारा इतने का है, ईयर टू का सेल्स हमारा इतने का है और टोटल कॉस्ट हमारा इतने का है। यहां पे हमें सेल्स तो पता है हर एक साल का, और फिक्स कॉस्ट ईयर वन का हो चाहे ईयर टू का हो, अगर मुझे यहां पे क्या पता चल जाए सर? फिक्स कॉस्ट पता चल जाए, तो फिक्स कॉस्ट तो हर साल का क्या रहता है? फिक्स ही रहता है,
चाहे मैं इस साल फिक्स कॉस्ट कहूँ, अगले साल कहूँ, वो तो फिक्स कॉस्ट है। अगर मुझे यहाँ फिक्स कॉस्ट पता चल जाए तो हम फटाफट क्या निकाल पाएंगे, यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेंगे। अगर हमें फिक्स कॉस्ट पता चल जाए तो क्या निकाल लेंगे, हम वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेंगे। और जैसे ही वेरिएबल कॉस्ट हमें पता चलेगा, हम क्या निकाल पाएंगे, कॉन्ट्रीब्यूशन, और सेल्स दे ही रखा है, हम कहाँ पहुंच जाएंगे, पीवीआर रेशो पे। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे करना है। यानी सर हमें सेल्स दे रखा है, सेल्स कितने का है, समझिएगा बात को, सेल्स कितने का है सर, सेल्स पहली बार का है 50,000 और फिर 60,000। यानी सर पहले एक 50,000 था, ईयर वन का सेल्स मान लो, ईयर टू का सेल्स मान लो, कितने का दे रखा है सर, 60,000 दे रखा है। इसके बाद इसका टोटल कॉस्ट दे रखा है, टीसी इसका भी और टीसी इसका भी। सर टीसी एक का कितना है सर, 40 और 45। टीसी इसका हमारा है 40 और इसका कितना है, 45। तो हमारा यहां पे देखेंगे सेल्स हमारा बढ़ गया, कितने रुपए से बढ़ गया हमारा, ईयर वन से ईयर टू में सेल्स हमारा 10,000 से। और यहां पे हमारा फिक्स कॉस्ट भी कितना बढ़ गया हमारा, 5,000 से, दोनों में। अब सर यहां पे मुद्दे की बात है कि अगर मैं सेल्स में से टोटल कॉस्ट, अगर सेल्स में से अगर मैं ये बात करूं, सेल्स इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट और प्लस प्रॉफिट, मैंने क्या समझाया, इन दोनों को जोड़ दो तो क्या बनेगा, कॉन्ट्रीब्यूशन। इन दोनों को जोड़ दो तो क्या बनेगा, और एक बात यह भी ध्यान रखना है, इन दोनों को जोड़ दो तो क्या बनेगा, टीसी। इन दोनों को जोड़ने पे क्या बनेगा हमारा, टीसी बन जाएगा। अब ध्यान दीजिए, क्या हम यहां प्रॉफिट निकाल पाएंगे, क्या हम प्रॉफिट निकाल पाएंगे बताओ। सबसे पहले तो प्रॉफिट मुद्दे की बात है, तो सर बिल्कुल निकाला जा सकता है प्रॉफिट। कैसे निकालोगे, सेल्स माइनस में टीसी करके। तो प्रॉफिट क्या आएगा, पहले सिचुएशन में 50,000 माइनस में 40,000, दैट इज कितना हो गया हमारा, 10,000। ठीक है, कितना हो गया हमारा, 10,000। दूसरे की बात कर लेते हैं, दूसरे साल की बात कर लेते हैं, प्रॉफिट दूसरे साल का। सर प्रॉफिट आएगा हमारा सेल्स माइनस में अगेन टीसी, और सेल्स क्या है हमारा, 60,000 और माइनस में 45,000, और ये बन के आ गया हमारा 15,000 रुपए। ठीक है, अब एक और फॉर्मूला पीवीआर का जनरेट होगा जो मैं अब लिखने जा रहा हूं। क्या होता है सर पीवीआर का फॉर्मूला, और वैसे भी समझ लेते हैं हमारे प्रॉफिट में कितना बदलाव आ रहा है, किसकी वजह से आ रहा है। मैं पहले फॉर्मूला लिख दूं आपके लिए, कहां लिख रहे थे, यहां पे पीवीआर इज इक्वल टू, एक और फॉर्मूला, पीवीआर इज इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स इनटू में 100। ठीक है, तो यानी इस फॉर्मूले को अभी समझेंगे भी हम, इस फॉर्मूले को, तो चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स इनटू में 100। सर चेंज इन प्रॉफिट कितना है, 15,000 पहले और इस यहां पे 10, तो कितना चेंज हुआ हमारा, 5,000। चेंज इन सेल्स कितना है सर हमारा, 5 और 60, कितने चेंज है, 10,000 इंटू में 100, तो कितने हो जाएंगे आपके, ये बताइए, 2, और ये आपका 2 से कटेगा तो कितना आ गया हमारा, तो ये 50% आ जाएगा।